इस क्लास और फर्स्ट ये वाला जो आपके ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए तो so, उसमें मैं एक चीज बोल देता हूँ कि जो तो 1.5 ईयर्स या जो भी है इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होगा ना हाफ ईयरली मतलब छह महीने में एक बार सिक्स मंथ्स में एक बार होगा तो फर्स्ट इंटरेस्ट जो आएगा पहला जो इंटरेस्ट आएगा वो सिक्स मंथ में आएगा दूसरा जो इंटरेस्ट आएगा वो तो नेक्स्ट सिक्स आएगा वो एट्टीन मंथ्स में आएगा ठीक है तो मंथ का टाइम पीरियड में होगा ये एक डिफरेंस है हाफ ईयरली में और एक डिफरेंस हाफ ईयरली में ये है कि अगर फुल ईयर का इंटरेस्ट अगर जो भी होता है ये सिक्सटीन जो है ना ये फुल ईयर का है सिक्सटीन का फ्रैक्शन क्या है फ्रैक्शन ऑफ सिक्स कमेंट कीजिए वन बाई सिक्स है ना पॉइंट सिक्स है ये फुल ईयर के लिए है तो हाफ ईयर के लिए क्या होगा वन बाई ट्वेल्व हाफ हो जाएगा आधा लेना है वो. ये मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा लेना है चलो ये क्वेश्चन देखो सॉल्व करो bye <music> देखो ये किया कैसे गल्फ़ कर बाकी किसी देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है वैसे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स तो वन बाई सिक्स ये पार्ट एन है एक साल में वन बाई सिक्स है हाफ इयरली पूछा ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वन बाई सिक्स का हाफ वन ठीक है वन पॉइंट फाइव ईयर्स में कितना हाफ इयर्स? तो बोल सकते हैं वन पॉइंट में कितना हाफ ईयर्स है हाउ मेनी हाफ ईयर्स आर 1.5 तो कैटा हाफ ईयर ऐसे थ्री हाफ 1.5 इयर्स में 6 महीने का तीन साइकिल बनेगा ठीक तो तीन बार कंपाउंडिंग हो गई तीन बार 1 by 12 ट्वेल्व का रेट से मतलब एक बार अमाउंट 12 से 13 होगा दूसरा बार फिर 12 से 13 होगा बार फिर 12 से 13 अमाउंट जो है वो वन सेवन टू एट से टू वन नाइन सेवन ट्वेल्व और थर्टीन का क्यूब ये आपको पता होना चाहिए ट्वेल्व का क्यूब होगा थर्टीन का क्यूब होता है वन नाइन है कि आप तो अभी आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है थ्री फोर फाइव सिक्स तो वन सेवन टू एट यूनिट्स का वैल्यू है थ्री फोर फाइव सिक्स बहुत इजी है देखो ये वन सेवन टू एट का डबल होता है थ्री वन हंड्रेड ट्वेंटी एट का सेवेंटीन हंड्रेड का डबल थर्टी फोर हंड्रेड ट्वेंटी एट का डबल फिफ्टी का डबल होगा ना तो ये बीस बार कटेगा एक यूनिट का वैल्यू बीस आ गया आपको क्या निकालना है आपको इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पे इंटरेस्ट गैप देखो कितना गैप है कोई बोल सकेगा क्या नहीं बोल देते आठ सौ का गैप फोर हंड्रेड का गैप और सेवेंटी फोर हंड्रेड एंड का गैप है ना फोर हंड्रेड एंड का गैप है फोर हंड्रेड यही तो मेरा इंटरेस्ट फोर हंड्रेड एंड यूनिट का वैल्यू इंटरेस्ट है तो उसका वैल्यू क्या होगा फोर तो हंड्रेड सिक्सटीन होगा Okay. समझ में आया ना सबको इन लोगों ने नहीं किया इन लोगों का आंसर नहीं आया समझ में आ गया और एनोनिमस को छोड़ के सब समझ में आया ना क्या हुआ यहाँ पे बोलो यार समझ नहीं दे नहीं आने से भी बोलो नहीं यार यहाँ पे हाफ ईयरली बोला तो क्या हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दो और क्या करना है और हाफ ईयरली कितना हाफ ईयर से वही चेक करना है वन पॉइंट फाइव ईयर्स में कितना हाफ ईयर्स तीन हाफ ईयर्स है ना एट्टीन मंथ्स है वन पॉइंट फाइव ईयर्स मतलब एट्टीन मंथ्स कितना बार कंपाउंडिंग होगा तीन बार होगा ना छः छः महीने में बार हो रहा है सिक्स मंथ्स हो तो बार हुई ऐसे प्रो माह कई बार हो तीन ही बार हो गो ना तीन थ्री टाइम्स होगा साल ईयरली होने से एक साल में एक बार होता है अभी एक साल में दो बार होगा ये तो डिफरेंस है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है पूरा साल का आधा साल का उसका आधा होगा बस बाकी सेम ये वाला कर कीजिए ये वाला इंटरेस्ट क्या हो रहा है क्वार्टरली बेसिस में हो रहा है ये वाला आंसर ज्यादा लोगों का आना चाहिए लास्ट टाइम सिर्फ दो लोगों का आया था आप लोग ट्राई करो आ जाएगा आंसर ाहन अर, है किसी का नहीं आया और आप लोग इतने इजी इजी क्वेश्चन का आंसर निकल नहीं पड़े कि मूड नहीं है क्या डायरेक्ट क्वेश्चन चालीस परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल भर तो क्वार्टर में कितना होगा ये तो बोलो क्वार्टर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा क्वार्टर के लिए दस होगा ना साल में चार क्वार्टर होता है ना क्वार्टर मीन्स थ्री क्वार्टर में एक क्वार्टर में थ्री मंथ्स होता है ठीक yeah. है एक साल में चार क्वार्टर होता है ना भाई साल में चार क्वार्टर होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फोर्टी बाई फोर होगा टेन परसेंट और एक साल एक साल के लिए इन्वेस्ट किया मतलब चार क्वार्टर के लिए इन्वेस्ट अच्छा आप लोग टेन में फंस गए ओ अच्छा आप लोग इसमें फंस गया क्या टेन टू पावर फोर इसमें फसा इसमें फंसा गया आप लोग तब आप लोग इसको चार बार करने में इसमें फंस गया क्या इज टू इलेवन का किया फिर इज टू इलेवन किया फिर इज टू इलेवन किया फिर इज टू इलेवन किया तो आपको ये तो मिल गया एक वन टू फोर आपको ये नहीं मिला ऐसा हुआ क्या है क्या जिसका ऐसा हुआ तो इसे ना प्रॉब्लम होनी चाहिए तो 11 और क्यूब जाना नहीं कि 11 क्यूब की वन है वन है ठीक तो तो है ए टू दूर रखी बोलोगी इलेवन क्यूब 133 थ्री, थ्री। पावर फोर मानी की वन वन <स्थी> वन थ्री थ्री वन माल्टिप्लैड बन हम नोट ना ये तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी थ्री थ्री वन माल्टीप्ल इलेवेनर मल्टीप्लिकेशन मैं दो दुटा एक्सट्रीम लिखा ओवान और वान तक एड वन प्लास थ्री किर थ्री प्लास थ्री किस थ्री प्लास वन फोर किसान তোমাকে ওলাব দিছে তুমি ই টেন থাউজেণ্ড ইউনিটছৰ ভ্যালু জানা ন কি হয় থ্রি থাউজেন্ড তাৰমানে এক ইউনিট পাস হয় ফাইভ তোমাক কি ইউনিট ওলাব লাগে ন ইন্টারেস্ট দিস ইজ দ্য ইন্টারেস্ট দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল দ্য ফাইনাল এমাউন্ট গ্যাপ ইজ দ্য ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট কিমান হয় ফৰ থাউজেণ্ড ছিক্স হান্ড্রেড ফৰ্টি ওৱান ইউনিট তাৰ ভেলু ওলাই দিব লাগে ফ'ৰ ছিক্স ফ'ৰ ওৱান ইন্টু ফাইভ কৰি ফৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু ফাইভ কিমান হ'ব ত' টুৱেণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফৰ্টি ওৱান ইনটু ফাইভ হ'ব ওৱান ছিক্স থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেডি চৰি ফৰ্টি ছিক্স্ৰেড ইন্টু ফাইভ হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড আৰু ফ'ৰ্টি ওৱান ইন্টু ফাইভ হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড ফাইভ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড টু মাল্টিপ্লাই কৰিলে টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড দিলে এতিয়া প্ৰিয় को समझ में आ गया ना बाकी सबको समझ में आ गया ना डाउट तो नहीं तो डाउट है तो डाउट नहीं है क्वेश्चन था टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के चार बार चार बार वो कर दो ये क्वेश्चन बाद में कर दो. भी हम लोग एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा आज जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन उसके बाद टाइप्स नहीं है तो आप लोग सारा ट्राई करेंगे आज कंप्लीट करने को क्या कौन क्या बोलना चाहोज आप थाउजेंड रुपीज लिया थाउजेंड रुपीज है आपने इसको क्या किया आपने ऐसे ही ट्राई किया कि इसको मैं दो जगह में इन्वेस्ट करके देखूंगा दो जगह में इन्वेस्ट करके देखूंगा टेन परसेंट में टेन परसेंट टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ना मैं आपने सोचा मैं इसको दो जगह में इन्वेस्ट करूंगा जस्ट यू वांट टू चेक कि क्या रिजल्ट आता है एक बार सिंपल इंटरेस्ट एक बार ऑन इंटरेस्ट आप मेरे साथ वो करना ठीक है आज मेरा थोड़ा सा हेड पेन हो रहा है उतना काम नहीं कर कैलकुलेशन में हेल्प करना तो सिंपल इंटरेस्ट जो है सिंपल uh, इंटरेस्ट में जाएगा तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा थाउजेंड को टेन परसेंट में व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट हंड्रेड रुपीज हंड्रेड रुपीज करेक्ट करेक्ट हंड्रेड रुपीज वेरी नाइस सेकेंड ईयर केन हंड्रेड सिंपल इंटरेस्ट में तीन साल के लिए चेक करना चाहता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला बोलो कितना इंटरेस्ट आएगा हंड्रेड रुपीज सेकेंड ईयर में कितना आएगा मैं बोलता हूँ सेकेंड ईयर में आप लोग बोलो हंड अच्छा तीनों बोल दिया हंड्रेड हंड्रेड टेन हंड्रेड इलेवेन सेकेंड ईयर में हंड्रेड टेन आएगा ना वो हंड्रेड टेन आया वो मैं आपको फिर से रिपीट करके बोल रहा हूँ देखो जो भी हंड्रेड टेन आएगा वो कैसे निकाला ये हंड्रेड से टेन परसेंट इंक्रीज कर दो डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं हंड्रेड टेन लेकिन हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे कि एक पर्पस है मुझे ऐसे निकालना नहीं चाहता हूँ क्या पर्पस है वो है हम लोग उसको एकदम बेसिक लेवल से निकालो देखो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना आएगा टेन परसेंट इंटरेस्ट है इसपे तो टेन परसेंट आएगा ही इसपे टेन परसेंट हमेशा हर साल लगेगा इसका टेन परसेंट मतलब हंड्रेड और टेन परसेंट इसपे भी लगेगा जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में जमा हुआ था उस पर भी टेन परसेंट लगेगा थर्ड ईयर में क्या होगा थर्ड ईयर में इस थाउजेंड रुपीज पे तो टेन परसेंट लगेगा ही हंड्रेड ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे भी लगेगा सेकेंड ईयर का इस इंटरेस्ट पे भी लगेगा इस पे इस पे ऊपर वाला में और सेकेंड ईयर का इस इंटरेस्ट पे भी लगेगा ठीक है और उसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं हंड्रेड से इंक्रीज होके हो रहा है टेन परसेंट इंक्रीज बन रहा है हंड्रेड टेन और उससे फिर टेन परसेंट अगर इंक्रीज करेगा तो वो वन ट्वेंटी वन आप इसको ऐड करके देखो अभी आप मुझे बोलो इतना तो ये सिंपल इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना जमा हुआ तीन साल में व्हाट इज द टोटल सिंपल टी हंड्रेड है ना टी हंड्रेड है ना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है टी थर्टी वन हो गया डिफरेंस कितना है थर्टी वन आपका जो क्वेश्चन होगा अभी आगे वो इसी चीज़ में घूमेगा इसी चीज़ में घूमेगा हमको सिर्फ डिफरेंस निकालने पूछेगा अलग अलग क्वेश्चन रहेगा अलग अलग डिफरेंस निकालने बोलेगा और ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आता है आपका एस क्लर्क का प्रीलिम्स में भी आ सकता है देखो अभी आप थोड़ा सा विजुअलाइज करके अगर सोचेंगे सिंपल इंटरेस्ट में तीन साल में ये इंटरेस्ट है ना ये ये वाला पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में ये पूरा पार्ट है ये पूरा part, पूरा पार्ट बॉक्स भी है इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट तो एलिमिनेट हो जाएगा ना ये कॉमन है ना कॉमन है इन अगर मैं इसको अच्छा हमेशा सी आई माइनस ऐसा ही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा ना सिंपल इंटरेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ थिंग सिर्फ एक साल लिया तो दोनों इक्वल होगा लेकिन दो साल तीन साल चार साल में कम तो अभी सी आई माइनस ऐसा ही करेंगे तो ये वाला कॉमन पार्ट तो कट जाएगा ना तो डायरेक्ट हम लोग डिफरेंट टेबल से भी निकाल सकते हैं अगर हमने इस पार्ट को ले टेन 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 और वन मतलब हाँ ये चीज ये ऊपर वाला पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा माइनस है ना समझ में है ना फुल तो बात बोलो मैंने रॉकेट साइंस नहीं आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और फुल तो इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो ये जो कॉमन पार्ट है ये तो कट जाएगा ना बचेगा तो ये आपको अभी जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है देखो एक ब्यूटी है ठीक है सपोज आपको बोलता है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक जगह में आपको बोला कि ट्वेंटी परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम सपोज है पे 3 years. पे इयर्स सपोज टाइम दिया हुआ है फोर इयर्स इन क्वेश्चन में ना आपको प्रिंसिपल एज्यूम करना पड़ेगा यू हैव टू एज्यूम द प्रिंसिपल प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं रहेगा आपको डिफरेंस दिया हुआ रह सकता है आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ रह सकता है देर मे बी मेनी थिंग्स गिवन बट प्रिंसिपल विल नॉट बी गिवन ठीक है प्रिंसिपल अगर दिया हुआ है तब तो बहुत आसान हो जाएगा सब तो आप इजीली इंटरेस्ट प्रिंसिपल अगर दिया हुआ है तब तो आप इजीली रेट तीन साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है लेकिन आपको प्रिंसिपल नहीं दिया रहेगा आपको ज्यूम रहे करना कितने ज्यूम करेंगे वो देखिए यहाँ पे टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना टेन परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है वन बाई टेन होता है इसका मतलब आप ऐसा समझिए कि आप यहाँ पे जो भी आप नंबर एज्यूम करेंगे यहाँ पे आप जो भी नंबर एज्यूम करो अगर ये आपने अगर तीन साल कंसिडर किया यू कंसिडर थ्री फॉर एग्जाम्पल इन सिचुएशन यहाँ पे तीन साल कंसिडर अभी आप सोचेंगे मैंने प्रिंसिपल थाउजेंड ही क्यों लिया थाउजेंड मैंने इसलिए लिया आप जब इस थाउजेंड को वन बाई टेन से काटेंगे ना एक बार तो हंड्रेड आएगा आएगा आप इस हंड्रेड को भी काटेंगे फिर वन बाई टेन से फिर टेन आएगा आएगा फिर ये टेन को आप फिर से काटेंगे वन बाई टेन से फिर आएगा वन इसका मतलब मुझे जो ये वन बाई टेन से मल्टीप्लाई करना पड़ा बार करना पड़ा दो बार करना पड़ा तीन बार करना पड़ा क्यों तीन बार करना पड़ा क्योंकि ये तीन साल का केस आप कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर देखेंगे तो हमेशा आपको पता चलेगा पर क्या है एक बार हम मैंने थाउजेंड को डिवाइड किया था टेन से तब मुझे ये आया मैंने हंड्रेड को डिवाइड किया टेन से तब मुझे ये आया और मैंने जब टेन को टेन से डिवाइड किया तब मुझे ये आया का so, मतलब मैं जो भी प्रिंसिपल एज्यूम करूँ मुझे वो तीन बार डिवाइड करना पड़ेगा हर तीन साल का केस तो समझदारी का बात क्या होगा कि अगर मैं प्रिंसिपल को इस केस टेन का क्यूब ले लू टेन का अगर मैं क्यूब ले लूंगा वो तीन बार इजीली डिवाइड हो जाएगा टेन से समझ में आया क्या बोलना आड़े समझ अगर मैंने टेन का क्यूब तो मैं उसका वन बाई टेन ईजिली निकाल दूंगा वन बाई टेन ऑफ टेन क्यूब कितना टेन स्क्वायर होगा फिर मुझे वन बाई टेन करना पड़ेगा आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट तीन बार कर रहे हो आपको तीन बार तो दस से डिवाइड करना ही पड़ेगा ना इस केस में करना ही पड़ेगा आप पहले हंड्रेड निकाल लोगे फिर आप टेन निकालोगे फिर वन निकालोगे मतलब आप बार बार डिवाइड करते जाओगे ना टेन से उस चीज को क्योंकि टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना आपका यहां से जब आप वन बाई टेन करोगे टेन क्यूब में टेन स्क् वन बाई टेन क्यूब कर रहा हूँ वन बाई टेन ऑफ टेन स्क्वायर करेंगे तो फिर टेन आएगा फिर आपको वन बाई टेन ऑफ टेन करना पड़ेगा तब आपका वन आएगा इसमें समझदारी क्या है कि मैं जो भी नंबर रिज्यूम करूँ वो तो टेन का हो जाए ना को इजीली डिवाइड होते रहेगा आप आप 10 टू दी पावर फोर को आप चार बार 10 से डिवाइड कर सकते हैं अनटिल अनलेस डेसिमल आ जाए डेसिमल नहीं लेना है हमको नहीं चाहिए तो डेसिमल अवॉइड करने के लिए ये कर रहे हैं ठीक है फॉर एग्जांपल डोंट वरी मैं आपको और समझाऊंगा सपोज मैंने ये वाला सिचुएशन लिया ये 10% वाला छोड़ो सपोज मैंने ये वाला सिचुएशन यार 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20 1/5 पर टाइम है फोर इयर्स तो मैं क्या करूंगा मैं अपना प्रिंसिपल को हमेशा 5 टू द पावर 4 लूंगा ठीक है 5 टू द पावर 4 क्यों लिया क्योंकि मुझे चार साल है तो चार बार कटना पड़ेगा अब फर्स्ट ईयर में निकालो फर्स्ट ईयर में आप बोलो मुझे व्हाट विल बी द रेट ऑफ सॉरी व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट क्या आएगा एग्जैक्ट फिगर नहीं बोलने से भी चलेगा फर्स्ट ईयर में टेस्ट क्या आएगा फाइव क्यूब आएगा वेरी गुड कुकिंग फाइव क्यूब आएगा ना फर्स्ट ईयर में फाइव क्यूब आएगा फाइव फोर मेरा प्रिंसिपल है रेट मेरा वन बाई फाइव है तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना आएगा ट्वेंटी परसेंट आएगा ना ट्वेंटी परसेंट ऑफ फाइव फोर ये तो मेरा प्रिंसिपल है ट्वेंटी परसेंट मतलब वन बाई फाइव फाइव फोर ये तो फाइव क्यूब आएगा फर्स्ट ईयर में फाइव क्यूब है सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर में ये फाइव क्यूब तो आएगा ही ये फाइव टू पावर फोर पे वन बाई फाइव जो ओरिजिनल ये इंटरेस्ट तो हर साल आएगा ये जो पहले आ रहा था ये तो हर साल आएगा एक्स्ट्रा भी आएगा यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये तो हमेशा आएगा इस साल में एक्स्ट्रा क्या आएगा बोलो और एक एक्स्ट्रा एक, एक नंबर आएगा वो क्या है स्क्वायर स्क्वायर आएगा ना ठीक है इस थर्ड वाले केस में फाइव क्यूब एक बार आ चुका है ये ये फाइव क्यूब किस पे इंटरेस्ट लगा इस पे फिर इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी आएगा फाइव स्क्वायर पे जो इंटरेस्ट लगा वो भी आएगा फाइव स्क्वायर पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी आएगा फाइव ठीक है फिर आप इस साल में जब जाओगे तो ये तो इंटरेस्ट रहेगा इसके अंदर फिर आप इस पे भी इंटरेस्ट लगाओगे फाइव स्क्वायर फिर आप इस पे भी लगाओगे फाइव स्क्वायर फिर आप ये हो गया इस फाइव पे फाइव स्क्वायर पे लगाओगे तो फाइव आएगा फाइव क्यूब पे लगाओगे तो फाइव स्क्वायर फाइव स्क्वायर आएगा इस फाइव स्क्वायर में लगाओगे तो फाइव आएगा फाइव स्क्वायर में लगाओगे तो फाइव आएगा फाइव में लगाओगे तो वन आएगा यही तो पूरा है ना खेल आया समझ में किसको समझ में आ गया बोलो तो इसलिए मैंने आपको ये पहले ही दिखा दिया था कि टू बार बार अलग अलग से तो समझ में आ गया बोलो यस और नो में जवाब दे दो आ गया ना देखो जिनको समझ में नहीं आया वो लोग देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन में आपको दिया ही हुआ है प्रिंसिपल ये हम लोग नहीं पकड़ेंगे यहां पे भी प्रिंसिपल दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन रुको मैं क्वेश्चन से पहले मैं आपको और एक चीज बाकी लोगों को क्या हुआ समझ ये वाला केस में मिट्टी साल के लिए थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है बहुत लोग उसको डाइजेस्ट नहीं करते हम लोग टेन परसेंट ही लेंगे नहीं लेके रुको हम चार लेंगे सपोज़ मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हूँ 40 परसेंट 40 परसेंट नहीं थोड़ा कल लेते जैसे 11.11 परसेंट .11 तो फ्रैक्शन है 1 by 9 आपको बोला है तीन साल के लिए चाहिए ईयर्स का आपको प्रिंसिपल अस्सुम कर तो आप जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 by 9 है तीन साल के लिए आप यहां पे य तीन साल के लिए आपने कितना वो कितना बार इंटरेस्ट निकाला आपने एक बार यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला एक बार आपने जो वन बाई टेन था वो इस पे थाउजेंड रुपीज आपने वन बाई टेन किया तो हंड्रेड आया आपने इस थाउजेंड रुपीज के अंदर इस थाउजेंड रुपीज पे आपने वन बाई टेन किया वन बाई टेन किया मतलब टेन परसेंट थाउजेंड में आपने वन बाई टेन किया तो हंड्रेड आया ठीक है फिर नेक्स्ट जब होगा तो ये हंड्रेड तो आएगा ही एक्स्ट्रा आएगा वो एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा उसको हमको इस हंड्रेड पे वन बाई टेन करना पड़ेगा तभी आएगा इस हंड्रेड पे आपको वन बाई टेन करना पड़ेगा तभी आएगा नेक्स्ट सिचुएशन में ये हंड्रेड तो आएगा ही बिकॉज इट इज द टेन परसेंट ऑफ थाउजेंड वो तो आना ही है उसको एक्स्ट्रा आपका इस हंड्रेड पे इंटरेस्ट लगेगा टेन 10, इस हंड्रेड पे इंटरेस्ट लगेगा टेन और इस टेन पे इंटरेस्ट लगेगा वन इसका मतलब आपको जो इंटरेस्ट निकालना पड़ रहा है वो इस थाउजेंड के लिए पड़ रहा है इस हंड्रेड के लिए पड़ रहा है और इस टेन के लिए भी पड़ रहा है मतलब आपको जो पड़ रहा है वो तीन नंबर के लिए पड़ रहा है और सारा टेन तो तो अगर आपका इंटरेस्ट वन बाई तो ट्यूब एज्यूम, एज्यूम कर लो तब तो आप इसको तीन बार काट सकते हैं ना ठीक है यही है कॉन्सेप्ट बस इतना ही है तो अभी देखो ये वाला क्वेश्चन मत करो ये क्वेश्चन हुआ हैल्टीपल इंटरेस्ट फॉर छह साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है छह साल का सिंपल इंटरेस्ट इंडिफरेंस पीरियड ऑफ थ्री हाँ ये वाला करो छः साल का सिंपल इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट छः साल में रेट ऑफ परसेंट परसेंट जो रेट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस बताना है तीन साल में ट्राई करो ट्राई करो ये होने से भी कोई प्रॉब्लम

The in, ये हो। छह साल का, छह साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है एक साल का कितना होगा वन ईयर सिंपल इंटरेस्ट निकल छः साल का इतना है तो एक साल का कितना होगा टू जीरो फोर जीरो बाई सिक्स होगा एन फिफ्टी ट्वेंटी फोर थर्टी एट फोर्टी ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट करेक्ट मैं छोड़ दो इसको इसका और काम नहीं है फिर आप डेट ऑफ इंटरेस्ट देखो ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट पर एन एम है रेट कितना है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट पर एन एम ये है रेट ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट का फ्रैक्शन कितना है वन बाई एट आपको क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस बताना है तीन साल के लिए तीन साल के लिए तो हम लोग प्रिंसिपल को क्या एज्यूम करेंगे बोल सकता है क्या कोई व्हाट विल बी द प्रिंसिपल रिज्यूम करना पड़ेगा एनी वन कैन एनी वन टेल मी प्रिंसिपल क्या लेना पड़ेगा एट क्यूब लेना पड़ेगा ऑब्वियसली एट क्योंकि रेट वन बाई एट है प्रिंसिपल को एट क्यूब ले लो प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है आग बंद करके एट क्यूब आग बंद करके एट ले लो सिंपल इंटरेस्ट में देखो एक साल में कितना इंटरेस्ट आएगा बोलो मेरे साथ आप लोग तो प्लीज रिपीट करो एक साल में कितना इंटरेस्ट आएगा किमान इंटरेस्ट आएगा वो एक बस एक फर्स्ट ईयर एट स्क्वायर आएगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट वन बाई एट है प्रिंसिपल एट क्यूब है तो इंटरेस्ट कितना आएगा वन बाई एट इंटू एट क्यूब आएगा ना इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वन बाई एट है प्रिंसिपल एट क्यूब वन बाई एट इंटू एट स्क्वायर आएगा ना इंटरेस्ट सिक्सटी फोर आएगा इंटरेस्ट एट स्क्वायर सिक्सटी फोर होता है सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम रहता है सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर कंपाउंड इंटरेस्ट में हो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में तो सिक्सटी फोर ही आएगा कोई डाउट नहीं है सेकेंड ईयर में सिक्सटी फोर तो आएगा ही क्योंकि ये एट क्यूब जो लिया हमने उस पर तो इंटरेस्ट आएगा ही एट क्यूब को आप फाइव हंड्रेड ट्वेल्व लिख दो तब डाउट कम आएगा एट क्यूब एट क्यूब लिखते रहेगा तो प्रॉब्लम होगा सबको समझ में नहीं फर्स्ट ईयर में सिक्सटी फोर आएगा सेकेंड ईयर में इस एट क्यूब में तो इंटरेस्ट लग गया और क्या इंटरेस्ट आएगा बोलो एक्स्ट्रा व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट एट आएगा यस वेरी नाइस ए चलिए फिर एट आएगा ना एट आएगा ऑब्वियसली एट आएगा ठीक है और थर्ड ईयर में क्या आएगा थर्ड ईयर में इस एट क्यूब में तो इंटरेस्ट आएगा ही एट स्क्वायर ये तो आएगा ही पर से इसमें भी आएगा इसमें कितना इंटरेस्ट आएगा वन बाई एट वन बाई एट ऑफ सिक्सटी फोर कितना होता है एट भी आएगा इसमें कितना आएगा सेम एट और इसमें भी आएगा इस एट में भी आएगा इसमें कितना आएगा वन बाई एट ऑफ एट इक्वल टू वन इंटरेस्ट हो गया ये हो गया पूरा टेबल बन गया बस खत्म आपको ए, ये चीज पता है कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट थ्री एट फोर जीरो है मतलब सिक्सटी फोर मतलब सिक्सटी फोर यूनिट्स का वैल्यू कितना है थ्री एट फोर जीरो ठीक है एक यूनिट निकल जाएगा यहाँ से आठ से ही सिक्सटी फोर से कर दो यार नहीं तो थ्री एट्टी फोर कटेगा ना थ्री थ्री ट्वेंटी सिक्स बार सिक्सटी बार जाएगा ये उससे एक यूनिट का वैल्यू जो है वो सिक्सटी निकल के आएगा एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा क्या जाएगा आपको क्या बताना है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपोनेंट इंटरेस्ट डिफरेंस कितना है मैंने आपको बोला था जब आप डिफरेंस निकालेंगे अब जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये वाला चीज़ जो है ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ तो कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा डिफरेंस सिर्फ ये वाला चीज़ बचेगा ना है आठ 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 ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव डिफरेंस है ट्वेंटी फाइव यूनिट्स का एक यूनिट का वैल्यू सिक्सटी है तो ट्वेंटी फाइव यूनिट्स का वैल्यू ट्वेंटी फाइव इंटू होगा ना ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स होगा फिफ्टी आया समझ में किसको आ गया समझ में बुझी पाई कोई साहब और कोई और विश्वजीत को छोड़कर और किसी को नहीं आया तो बाउंसर किया गया नहीं आया उसको क्या नहीं आया वो मुझे बताओ कौन सा पार्ट समझ नहीं आया बोलो ये करते हो थोड़ा खेल गलत नहीं है जो तो आपको तो समझ में नहीं आया आप लोग बोलो क्या तो समझ

ये करो प्रिंसिपल एज्यूम करो एज्यूम नहीं करने से प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि आपको फिर से तीन साल के लिए निकालना पड़ेगा फिर आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा आप उससे बेटर है प्रिंसिपल एज्यूम कर लो आप अदरवाइज कैसे ट्वेंटी नाइन आपका अमाउंट है 7.11 मतलब वन बाई नाइन तीन साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट लगेगा वन बाई नाइन मतलब वन बाई थ्री इंटरेस्ट लगेगा ये आप निकाल सकते हो यहाँ पे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वन बाई नाइन का इंटरेस्ट रेट है मतलब नाइन से टेन नाइन टेन नाइन टेन करके ये वाला काम करके सेवन ट्वेंटी नाइन से हंड्रेड वन थाउजेंड करके फिर आप यहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकते हो आपको प्रिंसिपल ऑलरेडी पता है ना तो प्रिंसिपल इसके साथ इक्वेट कर देना ठीक है इसके साथ प्रिंसिपल इक्वेट करके आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो ये दो इंटरेस्ट जो आएगा उसका डिफरेंस निकाल के लिख वो भी करेंगे तो एक तरीका यह है कि साम कितना है टू नाइन कंपाउंड इंटरेस्ट में एट द रेट ऑफ इलेवन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर थ्री यही बोला ना सिंपल इंटरेस्ट में जब हम लोग इसको इन्वेस्ट करेंगे तो वन बाई इलेवन पॉइंट वन वन मतलब कितने साल के लिए क्या पर? साल के लिए करो रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्री बाई नाइन होगा मतलब वन बाई थ्री होगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वन बाई थ्री करो इसका कितना है ट्वेंटी दिस इज सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट करने के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो वन बाई नाइन है तीन साल के लिए है ना तीन साल के लिए तीन बार कंपाउंडिंग होगा तीन बार कंपाउंडिंग होगा। तब वन बाई नाइन करके मतलब फर्स्ट ईयर नाइन नाइन टेन सेकेंड ईयर फिर नाइन इज टू टेन और थर्ड ईयर फिर नाइन इज टू तब जो मेरा प्रिंसिपल है सेवन ट्वेंटी बनेगा वन थाउजेंड आपको प्रिंसिपल ऑलरेडी पता है मतलब सेवन ट्वेंटी का वैल्यू तो आपको पता है नाइन वन सिक्स आप एक यूनिट का निकाल लो ये नाइन का क्यूब है ये भी नाइन से कट जाना चाहिए काटो नाइन पर ट्वेंटी सेवन पर सिक्स चालीस ये नाइन से कटेगा एट्टी वन अगर आपने ये फिर से नाइन से कर दो नौ बार नाइन से तीन बार ट्वेंटी सेवन और सिक्सटी बार फिर नाइन से कर दो ये नाइन से कटेगा ना हाँ फोर्टी बार एक यूनिट का वैल्यू आपको फोर्टी आ जाएगा वहाँ से आप ये इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ये वाला इंटरेस्ट गैप है यहाँ पर गैप है यहाँ टू हंड्रेड एंड सेवेंटी वन यूनिट सेवेंटी सेवेंटी वन इंटू फोर्टी ये आपका इंटरेस्ट है ना सेवेंटी वन इंटू फोर्टी कितनी देखो वन ज़ीरो एट फोर ज़ीरो ये होता है कम्पाउंड इंटरेस्ट ये आएगा सिंपल इंटरेस्ट कहाँ दोनों का गैप निकालना है बस नौ हज़ार सात सौ और दस हज़ार आठ सौ चालीस आठ सौ चालीस और दो सौ अस्सी तब एक हज़ार एक सौ चालीस एक हज़ार एक सौ हज़ार दो सौ थोड़ा खुद भी कैलकुलेट करो ये नहीं चाहिए मुझे ये ये निकालो गैप निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में गैप कितना है एक हजार एक सौ बीस गैप कितना है वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी है कि नहीं थाउजेंड वन ठीक है तो इसका भी आंसर ना हो हम लोग एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं इसलिए मैंने आपको दी दिखाई ये वाला चीज करने के लिए एक बार चेक कर लेते था टू तो पॉन 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 वान वान मतलब जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना तो मैं प्रिंसिपल को नाइन क्यूब मान लूँगा सेवन ट्वेंटी नाइन सिंपल इंटरेस्ट में अगर मैं देखूँ फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा नाइन स्क्वायर आएगा ना वन बाई नाइन करके आ रहा है नाइन के लिए वन बाई नाइन आ रहा है नाइन क्यूब के लिए तो एट्टी वन आएगा ना सेकेंड ईयर में आएगा ये एट्टी वन तो आएगा ही भी पे आएगा. भी वन बाई नाइन होगा ये नाइन आइन थर्ड ईयर में सेवन ट्वेंटी नाइन पे एट्टी वन आएगा फिर भी ये ये कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट का वन बाई नाइन एट्टी वन इस एट्टी वन एट्टी वन पे 9, 81 पे वन और इंटरेस्ट में एवरी ईयर कितना तो पार्ट होगा इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस तो यही वाला पार्ट होगा ना ये बाकी पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा तो अभी हमको प्रिंसिपल पता है टू नाइन वन सिक्स जीरो मतलब ये जो हमने सेवन ट्वेंटी वैल्यू है टू वन सिक्स एक यूनिट का वैल्यू कितना चालीस आया था ना इसमें हमने कुछ गड़बड़ किया है कैलकुलेट वर वर वाला दे ये वाला कैलकुलेशन देखो तो एक बार से जाएगा एटीन से जाएगा ट्वेंटी सेवन यही है ना वन देखो तो ये वाला कैलकुलेशन इधर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी वन एट्टीन थर्टी सिक्स नाइन फोर थ्री थ्री टू फोर ये चालीस से एक यूनिट का वैल्यू है फोर्टी आपका डिफरेंस कितना यूनिट्स यूनिट्स है? है? डिफरेंस वैल्यू निकलो ट्वेंटी समझ में आ गया ना वन वन टू जीरो ना दोनों मेथड समझ में कि नहीं बोलो तो एक तो डायरेक्ट अप्रोच है एक ये वाला अप्रोच आप एज्यूम करके भी कर सकते एक ही बात है ठीक है आया कि नहीं बोलो एक ये वाला अप्रोच है जहां पे हम लोग प्रिंसिपल एज्यूम कर सकते हैं और एक दूसरा अप्रोच है जहां पे हम लोग वो ले सकते हैं तो जैसा नॉर्मल अप्रोच है कोई भी अप्रोच ले कोई भी अप्रोच ले अप्रोच है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें एक अप्रोच जो नॉर्मल अप्रोच है सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया दोनों को माइनस कर दिया और दूसरा अप्रोच ये वाला जहाँ पे हम प्रिंसिपल को एज्यूम करते हैं यहाँ पे वन बाई नाइन था रेट फॉर थ्री इयर्स दैट्स वाई आई एज्यूम द प्रिंसिपल एज नाइन क्यूब ठीक है देन बार, बार 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 काट काट के काट काट के आए फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस ये वाला पार्ट था ट्वेंटी एट यूनिट्स तो उसका वैल्यू आ गया आप लोग एक काम कीजिए इस क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट वाला का आंसर ये तो एक काम करो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करने बहुत लेंदी टाइम खाएगा ये दो दो टाइप का क्वेश्चन है सेम में कॉमन चीज है इसलिए करके फायदा नहीं है आप लोग क्लास में ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ट्वेंटी फोर थाउजेंड इज थ्री सेवेंटी फाइव आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलो ये वाला करो ये वाला अच्छा कोई

और भी बहुत सारा क्वेश्चन है हाँ आप लोग थोड़ा सा घर में भी प्रैक्टिस करना तो ये जैसे ये बड़ा क्वेश्चन है ये घर में ट्राई करना नहीं होने से डाउट ग्रुप ये वाला जैसा क्वेश्चन है ये तो आप लोग सक जाएगा कि अभी ऐसा क्वेश्चन हम ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हम दिया हुआ है देखो कैसे करना है देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है ट्वेंटी ठीक है प्रिंसिपल दिया हुआ है ट्वेंटी फोर दो साल में इन्वेस्ट किया डिफरेंस है थ्री टें थ्री से ये सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में कोई इंटरेस्ट आएगा ए सपोज कोई भी इंटरेस्ट आएगा ए सेकेंड ईयर में वो वाला इंटरेस्ट फिर से आएगा और फिर एक बी ए करके एक इंटरेस्ट आएगा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में सॉरी सिंपल इंटरेस्ट सेम आएगा तो अगर ए फर्स्ट ईयर में है सेकेंड ईयर में भी कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में ए आएगा सेकेंड ईयर में भी ए आएगा लेकिन बड़े इंटरेस्ट आएगा बी okay. इसमें आपको क्या है कि बी दिया हुआ है डिफरेंस डिफरेंस इन दोनों का इन दोनों का सी आई माइनस एस आई डिफरेंस करेंगे तो बी आ जाएगा थ्री कुछ दिया हुआ ही नहीं है वन इन आइडिया कैसे सॉल्व करना एक फॉर्मूला है लेकिन मैं आपको फॉर्मूला अभी बोलना नहीं चाहता आइडिया कैसे सॉल्व करेंगे भी नहीं है ना Try error. Try error. मतलब हर एक परसेंटेज को ले लेके तो टाइम लग जाएगा वो वन एनी आइडिया हो गई है एक चीज कर सकते हैं, देखो हो जाए देखो अगर थ्री सेवेंटी फाइव जो है आपको एक अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्स मानता हूं एक्स परसेंट आपको एक चीज पता है आ, कि जो थ्री सेवेंटी फाइव है बी तो गिवन है ना ये ये बी हटा दो यहां से तो बी रहने दो डिफरेंस जो है दोनों का आपको पता है ना यहाँ पे टू ए है यहाँ पे टू ए प्लस बी है कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट आया टू ए प्लस बी और सिंपल इंटरेस्ट टू ए का इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो बी है और डिफरेंस ये है वो डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको अगर हमने ऐसे किया आपको एक चीज पता है ना एज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ बी होता है ये समझ में आ रहा है ए इज इक्वल टू अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा एक्स परसेंट है तो सॉरीवल टू एक्स परसेंट ऑफ ए होगा कि नहीं समझ में आगे आना ना देखो यार समझ में नहीं आया क्यों क्यों समझ में नहीं, नहीं आया क्यों नहीं आएगा देखो यहां पे देखो आप यहाँ पे दो साल को देखो बहुत लोगों को ये सब चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा है आप लोग थोड़ा सा डीप से ना आप लोग क्लास को वापस नहीं देख रहे इसीलिए आप लोग देखो क्लास को वापस ठीक है तब समझ में आएगा देखो यहाँ पे देखो कि बार बार मुझे एकदम बेसिक में जाके समझाना पड़ रहा है फिर क्या फायदा देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट था ना इसमें तो टेन परसेंट था तो ये जो टेन आया दिस टेन इज वॉट टेन परसेंट ऑफ हंड्रेड ओनली नो तो टेन परसेंट ऑफ हंड्रेड ही है यहाँ पे जो भी चीज आता है वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हिसाब से आता है ना इसका ही तो टेन परसेंट होता है वो अभी आया समझ में यहाँ पे जो वैल्यू सब आता है वो सब तो इंटरेस्ट सब का ही परसेंटेज रहता है ये जो ये जो टेन है ये तो टेन परसेंट ऑफ हंड्रेड है ये जो टेन है ये तो टेन परसेंट ऑफ हंड्रेड है ये वन क्या है ये वन क्या है वन क्या, क्या है ये वन टेन परसेंट ऑफ टेन ही तो है ना भी तो वन आया ना ठीक yeah, है तो यही चीज है यहाँ पे इस चीज से मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा सी तो बी जो है वो एक्स परसेंट ऑफ ए जो है ए क्या है ए तो एक्स परसेंट ऑफ ट्वेंटी फोर हंड्रेड है कि नहीं ट्वेंटी फोर थाउजेंड ये समझ में आया ना फर्स्ट जो इंटरेस्ट आएगा वो तो एक्स परसेंट ऑफ ट्वेंटी फोर थाउजेंड ही आएगा एक्स मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर फर्स्ट जो इंटरेस्ट बनेगा वो तो एक्स परसेंट ऑफ ट्वेंटी फोर बनेगा बस हो गया सॉल्व तो बी क्या है 375. X percent, X A के जगह में, मैं एक्स परसेंट ऑफ ट्वेंटी फोर थाउजेंड लिख दूंगा ये भी एक्स बाई हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फोर थाउजेंड हो जाएगा ये जीरो 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 कैंसिल हो जाएगा ये जीरो और ये कैंसिल तो हो जाएगा तीन से काटेंगे तो ये एक सौ पच्चीस आएगा ये तीन से आठ बार जाएगा ठीक okay, है तो एक्स क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है वो देखो कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा वन टू फाइव जीरो बाई एट आएगा वन टू फाइव जीरो बाई एट आएगा ठीक okay. है वन टू फाइव जीरो बाई एट आप कैंसिल करने को ट्राई करो ठीक नहीं ठीक है छोड़ो एक्स स्क्वायर सिक्स ट्वेंटी फाइव बाई फोर तो आएगा ना काट के सिक्स ट्वेंटी फाइव बाई फोर आएगा तो वहां से एक्स क्या आएगा ये तो ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर है और ये फोर टू का स्क्वायर है ट्वेंटी फाइव बाई टू मतलब ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंटो ठीक है निकाल सकते आया समझ में अभी समझ में आ गया ना सबको होप सो कुछ नहीं किया कनेक्ट कर दिया बस कनेक्ट कनेक्ट करने वाला चीज समझ में आ जाता है तो समझ में आ जाता है वैसे आपका टाइम वेस्ट किया मैंने थोड़ा सा एक ये क्या बोलते दो साल के लिए ना डिफरेंस का एक फॉर्मूला है दो साल के लिए जो डिफरेंस होता है ना वो डायरेक्ट फार्मूला होता है पी आर स्क्वायर बाई हंड्रेड स्क्वायर ये एक फार्मूला होता है ये डायरेक्ट फार्मूला है फार्मूला यूज नहीं करना था मैंने आप, आप लोग एग्जाम में फार्मूला यूज कर सकते यहाँ पे आपने टू ईयर्स दिस फार्मूला इज ओनली फॉर टू ईयर्स दो साल के लिए है बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं है ठीक है दो साल में आप लोग डायरेक्ट डिफरेंस का फार्मूला लगाओ यहाँ पे भी लगा देते डिफरेंस गिवन था प्रिंसिपल गिवन था रेट ही गिवन नहीं था रेट निकल जाता ना चलो आ गया ना समझ में सबको पक्का समझ में आ गया तो आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास और एक क्वेश्चन देखो मैं आपको रुको रुकू थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पे ना ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना ये तीन साल का है होमवर्क करना और यहाँ पे एक बड़ा सारा क्वेश्चन है ये भी होमवर्क करना ये डाउट होने से और और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो हमने ये वाला होमवर्क करना मैंने आपके लिए क्वेश्चन रख दिया है ठीक है क्योंकि इसमें बहुत वेराइटी का क्वेश्चन है ये वाला एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है वेरी गुड क्वेश्चन ये क्वेश्चन होमवर्क करना और ये भी है होमवर्क जितना है आप लोग सारा ट्राई करना हमने किया ऐसा टाइप का तो आप लोग होमवर्क कर ले चलो थैंक यू एवरीवन बाय बाय गुड तब वो रीज़निंग का क्लास कर ले। गुड हेट सर